हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर. एक्चुअली जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर. इस चैप्टर को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने डिफरेंट तरह का क्लासिफिकेशन, कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा, सोल्स के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा. बट दिस इज द सेकेंड पार्ट, सेपरेशन टेक्निक्स. सेपरेशन मीन्स आपको समझ आ रहा होगा इस वर्ड से ही, सेपरेशन मतलब कुछ सेपरेट करना, कुछ अलग करना. कुछ टेक्निक्स हैं जो हम अपने किचन में भी, घर में भी मम्मा यूज करती हैं और हम देखते हैं, लेकिन हम कभी उन पर ध्यान नहीं देते हैं. तो सेपरेशन टेक्निक्स सबसे सिंपल सी बता देती हूँ. हम सेपरेशन करते हैं किसका? बहुत सारे वेस्ट मटीरियल का. बहुत सारे वेस्ट मटीरियल का मतलब आप घर में चाय बनाते हैं, आपने सबको देखा होगा, मम्मा को, दादी को, मासी को चाय बनाते हुए. तो वहां पर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम एक सीव की मदद से, एक छन्नी की मदद से हम चाय की पत्ती को और चाय को सेपरेट करते हैं. ऐसे ही मम्मा जब आटा गूंथती हैं तो उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, उसमें कोई गेहूं का मोटा दाना तो नहीं है, उसको सेपरेट करने के लिए भी सीव का यूज करती हैं. इसके अलावा आपने मम्मा को चावल साफ करते देखा होगा कि मम्मा एक प्लेट में या एक परात में चावल फटकती हैं तो उसका जो भूसा है वो बाहर निकल जाता है. दालें साफ की जाती हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो हम घर में यूज करते हैं. और ऐसे ही अगर पानी गंदा हो गया है, सपोज कीजिए किसी वजह से आपके टैंक में मिट्टी जमा हो गई या किसी वजह से पीछे से ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पानी गंदा आया, हम क्या करते हैं? हम उस पानी को थोड़ी देर छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब्ड. वो अनडिस्टर्ब्ड हो जाता है तो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हम ऊपर के पानी को साफ, पानी को उतार लेते हैं, अलग कर लेते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जो हम बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं. बट बियॉन्ड दिस हम कुछ और न्यू टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर लर्न करेंगे. अभी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और जो हम यूज करते हैं, मम्मा मक्खन निकालती है मलाई से. दैट इज ऑल्सो अ सेपरेशन टेक्निक. हम दूध से जो हमारी मलाई है जो उससे हमने उसको फैट अलग कर लेते हैं हम उसका, और बटर मिल्क अलग हो जाता है. तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स विच वी यूज एट अवर होम ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. अब हम टॉपिक का स्टार्ट करते हैं. सेपरेशन टेक्निक्स. सेपरेशन टेक्निक्स, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. नेचुरल सी बात है, हम किसी भी मिक्सचर की जो हमारी कंपोनेंट्स होंगे वो सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, दो सॉल्वेंट भी हो सकते हैं. डिफरेंट मिक्सचर मतलब कुछ भी चीज हमने किसी भी अमाउंट में ऐड कर दी, दैट इज अ मिक्सचर. हमें वो अलग करना है. तो द कंपोनेंट ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बेसिकली हेट्रोजीनियस मींस जिसमें कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक्स विच यूटिलाइजेस द डिफरेंस बिटवीन वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज. हम जब भी किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को, तो हम बेसिकली जो डिफरेंस लेते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर लेते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है बेसिकली, जैसे कि सॉल्युबिलिटी. आपने पानी में सैंड डिजोल्व किया, वो डिजोल्व नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है. बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल. हम अल्कोहल और वाटर को जब सेपरेट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर सेपरेट करते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पर भी हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. सब्लीमेबल नेचर, सब्लीमेशन हम कह सकते हैं, सब्लीमेबल नेचर. जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी क्या अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट किया था सैंड से, वो. एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी बेसिकली उसके बारे में हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि कुछ मटीरियल जो हमारे घर में होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करती. लेकिन कुछ जो मटीरियल है घर में भी हमारा ऐसा होता है जिस पर मैग्नेट इजिली अट्रैक्ट हो जाती है, तो उसको कैसे सेपरेट करना है, दिस इज द बेसिक थीम. तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये हमने पांच बेसिकली यहां ली हैं, इनके बेसिस पर हम मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे. सो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, हम कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे, कौन कौन सी मशीन्स यूज करेंगे या कौन कौन सी टेक्निक्स बेसिकली यूज करेंगे. सो द डिफरेंस कैन बी अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मेथड्स. हैंड पिकिंग, मैंने आपको बताया अभी, चावल साफ करती हैं मम्मा, दाल साफ करती हैं, हैंड पिकिंग यूज करती हैं. जो पत्थर होते हैं दालों में से, आप ठीक दाल के सीड्स नहीं होते, उनको अलग कर दिया जाता है. सीविंग, सीविंग मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, आटा छानने का, चाय छानने का, लाइक दैट. फिल्ट्रेशन, वाटर का एग्जाम्पल अभी आपको फिल्ट्रेशन का दिया. सम स्पेशल टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स. इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, क्रोमैटोग्राफी,
डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली एंड मैग्नेटिक सेपरेशन. तो दीज आर द नेम ऑफ द टेक्निक्स के हम इसको सेपरेट करने के लिए ये वाली टेक्निक का यूज करते हैं. अब जैसे हम सिंपल आटा छानते हैं, हम आटा छान रहे हैं सिंपल, तो हम उस टेक्निक का क्या नाम दें? बेसिकली हम कह सकते हैं कि सीविंग था हमारा जो मेथड था जिससे कि हमने आटे के साथ, जो कई बार आटे में कीड़े भी हो जाते हैं और मम्मा को सीव से ही पता लगता है कि आटे में कीड़े हो गए हैं, तो उसे भी सेपरेट किया जाता है. तो दीज आर द मेथड्स विच वी यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स. तो इससे पहले वाला जो हमने पार्ट पढ़ा वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जिसमें हमने ये देखा कि किस किस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. और यहाँ पर हम टेक्निक, मतलब जो उस पर्टिकुलर मेथड का नाम दिया है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं. तो दीज आर द वेज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे इवेपोरेशन. इवेपोरेशन आपको पता है बेटा कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं. इवेपोरेशन का मतलब होता है कि जब हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन के लिए एक कंडीशन बहुत मस्ट है कि आपका जो लिक्विड है उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, वॉलेटाइल नेचर. वॉलेटाइल का मतलब दोज कंपोनेंट्स या दोज कंपाउंड या दोज सब्सटेंसेस बेसिकली विच कैन ईजली कन्वर्टेड इंटू वेपर्स, वेपर्स में कन्वर्ट हो सके, जो गैस में कन्वर्ट हो सके, उनको वॉलेटाइल कहा जाता है. तो दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर द इवेपोरेशन. दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन वॉलेटाइल. मतलब दो कंपोनेंट्स हम लेंगे, एक कंपोनेंट वो होगा जो कि वॉलेटाइल होगा, मतलब जो कि इवेपोरेट होकर गैस बना लेगा, वेपर्स बनाएगा, और एक कंपोनेंट वो होगा जो कि वेपर्स नहीं बना सकता है. तो बिल्कुल सिंपल सी बात, हमें कंडीशन से ही समझ आ गया. जो वॉलेटाइल होगा वो हम डिफरेंट किसी भी ऑपरेटर्स के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे, या हम कहते हैं उसको इवेपोरेट कर देंगे, और हमारे जो बर्तन होगा जिस भी तरह के अटेंसिल में या जिस भी तरह के हम एपरेटस में उसको हीट कर रहे हैं, उसमें हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो रह जाएगा. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इवेपोरेशन. तो प्रोसेस इसमें आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर आपको पिक्चर दिख रही है इवेपोरेशन में. तो हमने क्या किया है प्रोसीजर में, हमने एपरेटस को सेट किया है. आप देख सकते हैं एपरेटस, यहाँ पर हमने एक लिया है चाइना डिश, ये हमारी चाइना डिश है. लैब में हम आपको दिखाएंगे, प्रोसेस कर भी दिखाएंगे, घर में भी करते हैं आप ये प्रोसेस. और इस प्रोसेस को करने के लिए आज एक काम कर लीजिएगा, हाफ अ ग्लास ए वन ग्लास वाटर लीजिएगा और उसमें 2 से 3 चम्मच नमक को डिसॉल्व कर लीजिएगा. आफ्टर दैट आप उसको एक बर्तन में डालकर गैस पर रख दीजिएगा और पानी को धीरे धीरे इवेपोरेट होने दीजिएगा. थोड़ी देर बाद जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा, आप जरा अपनी ऑब्जर्वेशन देखिएगा क्या आई हैं. कल मैं आपसे फिर डिस्कशन करूंगी थोड़ा सा इसके बारे में कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है. सो हमने एपरेटस सेट किया, दिस इज नोन एज ट्राइपॉड स्टैंड, दिस इज अवर चाइना डिश और इवेपोरेटिंग डिश कुछ भी. दिस इज वायर ग्वेज, लोहे की, बिल्कुल जैसे आपकी सीव होती है इस तरीके की लोहे की जो एक छन्नी टाइप होती है, वायर ग्वेज, वो जैसे जाली आप कह सकते हैं बेसिकली, जो आपके विंडोज पे स्टील जाली या लोहे की जाली लगी होती है जिससे मच्छर मक्खी अंदर ना आए. दिस इज योर बर्नर, हमने बर्नर लिया है और इसको स्टार्ट कर दिया है हीट करना. या हम एपरेटस को इस तरीके से भी लगा सकते हैं. ओके, यहाँ पर बर्नर है, अगेन ट्राइपॉड स्टैंड. इसको ट्राइपॉड स्टैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी 3 टांगे हैं, 1, 2 और 3, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है ब्लू, 3 टांगे होने की वजह से इसको हम ट्राइपॉड कहते हैं. बीकर लिया, इसमें पानी लिया और यहाँ पर हमने वॉच ग्लास में अपना इंक विद वॉटर रख दी. तो दिस इज द एपरेटस विच वी यूज फॉर इवेपोरेशन. सो इवेपोरेशन हम किस किस के लिए यूज, बेसिकली इस पार्ट से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपसे पूछा जाए कि इवेपोरेशन क्या है और क्या यूज कर रहे हैं, नहीं. बेसिकली आपसे एप्लीकेशन बेस्ड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में क्या हुआ है कि जैसे कि इसके यूजेस, हमने डाई को इंक से अलग किया, जो डाई थी और इंक थी, इंक जो बेसिकली बनती है वो डाई का यूज करके बनती है, तो हम दोनों को अलग कर सकते हैं. और नमक और चीनी जो सॉल्यूशन हम पानी में बनाते हैं, हम उसको भी सेपरेट कर सकते हैं. तो बेसिकली जो इवेपोरेशन की टेक्निक है दैट इज यूज्ड फॉर दैट. नाउ द सेकंड टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी मैंने आपको बताई थी कि मम्मा क्या करती हैं, मम्मा मलाई में से बहुत सारा मक्खन निकालती है और हम उसको बहुत खुशी से खाते हैं, दैट इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन. इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हम अपनी वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं. आप देखिएगा कभी कपड़ों को, जब कपड़े ड्रायर होते हैं
आपके जो कपड़े ड्रायर होते हैं, जब आप उन कपड़ों को थोड़ा सा सर्कल में हमें डालना होता है, बीच वाला स्पेस खाली रखना होता है, और ड्रायर हमारा बहुत फर्स्ट क्लास काम करता है, पानी निकल जाता है सारा और कपड़ा ड्राई हो जाता है. दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस टेक्निक, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. आप एक काम करिएगा, एक उसमें बाउल में या किसी बड़े से थोड़े बर्तन में पानी लीजिएगा, 4-5 ग्लास, और उसको मूव करने की बीच में से हिलाइएगा, घुमाइएगा उसको. आप देखिएगा कि बीच में, या बॉटल में पानी ले लीजिएगा, बीच में क्या बन जाता है, एक ट्राइंगुलर, उल्टा ट्राइंगल बन जाता है, नीचे जिसका वर्टेक्स होता है और ऊपर वो फैल जाता है. दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, कॉर्नर्स की तरफ चला जाता है. एंड दिस प्रोसेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, जो कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंपोनेंट को अलार्म से अलग हो जाता है. जो सॉल्यूट है वो जो है वो अलग हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट है वो अलग हो जाएगा. आप इस एग्जाम्पल को मलाई से अच्छा समझ सकते हैं. जब हम मलाई को मम्मा सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक के थ्रू लगातार मम्मा उसको मसलती हैं, या आपको ब्लेंडर चलाती हैं या मिक्सी में चलाती हैं, तो मक्खन ऊपर आ जाता है, जो बटर मिल्क है दैट इज सेपरेटेड, और वो नीचे रह जाता है. ओके, सो दिस इज द मैथड. मैथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल, बेसिकली डिस्पर्स कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड कंपोनेंट बाय सेंट्रीफ्यूग मशीन. Principle: the application of the centrifugal forces causes the sedimentation suspended component from heterogeneous mixture, leaving behind the liquid medium. Heterogeneous mixture as pellet, मतलब क्या है, मक्खन, और नीचे supernatant क्या है, हमारा बटर मिल्क. इस टेक्निक को हम बेसिकली ब्लड टेस्ट में भी यूज करते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. प्रोसीजर क्या है इसका देखिए. बॉटल और ट्यूब कंटेनिंग मिक्सचर वॉज इंस्टॉल्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आप देख सकते हैं. एंड मिक्सचर वॉज रोटेटेड एट सुटेबल स्पीड, मिक्सचर को रोटेट किया जाता है. ये देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन्स दिखाई गई हैं. ये हमारे मिक्सी में भी ऐसा ही क्या होता है, ब्लेड लगा होता है, और जब हम किसी भी चीज को उसमें पीसते हैं या हम कोई भी शेक बनाते हैं, तो वो भी क्या होता है, इसी तरीके से हम उसको घुमाते हैं और वो कॉर्नर्स पे जाकर लग जाता है और वो बन जाता है. तो दिस इज बेसिकली द मशीन का डिजाइन ऐसा होता है. ये बड़ी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है और ये थोड़ी छोटी है. अब नाउ यू कैन सी सुपरनेटेंट एंड पैलेट बिफोर, ये एक दूसरे के साथ क्या थे, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे, लेकिन उसके होने के बाद आफ्टर दिस प्रोसेस दोनों सेपरेट हो गए. नाउ यस, यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने आपको जैसा कि बताया, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, दूध से क्रीम निकालना. आप अमूल मिल्क लेते हैं, और भी मिल्क क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है, वो सब दूध से ही बनाई जाती है, सेपरेट कर दिया जाता है. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड लाइक सीरम एंड आरबीसी, हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं लेबोरेटरी पे जाके, वो भी यही सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज करते हैं टू सेपरेट आर ब्लड कंपोनेंट्स, क्योंकि हमारे ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा है, आरबीसी है, और डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, वी यूज इट. थर्ड इज ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इन ड्रायर, मैंने आपको बताया था कि ड्रायर में जो हमारा फिनोमिना यूज हो रहा है, जो प्रिंसिपल बेसिकली यूज हो रहा है, दैट इज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. एंड द लास्ट इज सेपरेशन ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स. सेल ऑर्गेनिल्स आपने लास्ट ईयर 8th क्लास में पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, गॉल ब्लैडर, इसके गॉल्गी एपरेटस के बारे में, थोड़ा सा सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में आपने पढ़ा है. तो उसके ऑर्गेनिल्स को जब हमें सेपरेट करना होता है, देन वी यूज दिस टेक्निक, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. नाउ यू कैन सी, पहला आपका ये हमने यूज किया है प्लास्टिड मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया हमने सेपरेट किया है. ये थोड़ा सा मिल्की है, उसका ऊपर का जो पार्ट है दैट इज लाइट इन कलर. यहां पर भी हमने सेपरेट किया है व्हाट, सेल के ऑर्गेनिल्स को. यू कैन सी ये यहाँ पर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ थायलोकॉलॉइड, दोनों के कलर ही अलग है. दिस इज व्हाइट इन कलर, दिस इज ब्लैक इन कलर. दिस इज आर ब्लड, ये ब्लड का है. ऊपर प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा बहुत लाइट होता है तो वो आ जाता है. प्लाज्मा का कलर ऐसा ही होता है, और मैं आपको प्लाज्मा की एक और अच्छी पहचान बता देती हूँ. प्लाज्मा जब हमें चोट लगती है तो हम, आपने ऑब्जर्व कीजिएगा, जब ब्लड आना बंद हो जाता है तो एक थोड़ा सा लाइट स्किन से कलर का लिक्विड निकलता है, जैसे कि वॉट, ये कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लाज्मा का, सेम इस कलर का लिक्विड सा हमारे उस चोट से या उस खरोंच से बाहर निकलता है. दैट इज बेसिकली प्लाज्मा, वो है हमारा प्लाज्मा. नीचे व्हाइट ब्लड सेल्स, देन फॉलिकल्स होंगे, एंड देन इरिथ्रोसाइट्स, ये जो है हमारी आरबीसीज है. तो दिस इज द वे इन विच वी यूज दीज सेपरेशन टेक्निक्स. तो टूडे आई हैव डिस्कस्ड विद इवेपोरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. आज के लिए इतना ही. अगला जो इसका पार्ट है हमारा सेपरेशन टेक्निक्स का, वो आपको मैं कल लेकर आऊंगी. थैंक यू.